नागर विमानन मंत्रालय ने विश्वास व प्रमाणन एवं बिना किसी दखल के निगरानी के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया है कि देश में ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म्स की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में वर्णित 25 फॉर्म्स की तुलना में ड्रोन नियम 2021 के मसौदे से घटाकर 6 कर दिए गए हैं। यूएस नियम 2021 इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था। अधिसूचित होने के बाद ड्रोन नियम 2021 यूएस नियम 2021 का स्थान लेने वाला है। बयान में ये भी कहा गया है कि मसौदे नियमों में शुल्क का नाम मात्र कर दिया गया है और अब इसका ड्रोन के आकार से कोई भी संबंध नहीं है। बयान में ये कहा गया है कि मसौदा नियमों में विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है, जिनमें अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार और छात्र दुरुस्त पायलट लाइसेंस शामिल थे। मसौदा नियमों में ये कहा गया है कि ग्रीन जोन में 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि मसौदा नियम विश्वास, स्वप्रमाणन और बिना दखल के निगरानी के आधार पर बनाए गए हैं। मसौदा नियमों में ये कहा गया है कि माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन और R&D संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। मसौदा नियमों के अनुसार माल पहुंचाने के लिए ड्रोन गलियारे विकसित किए जाएंगे और देश में ड्रोन के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए एक परिषद की स्थापना की जाएगी। लोग इन मसौदों नियमों पर अपनी टिप्पणियां 5 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। मसौदा नियमों में ये भी कहा गया है कि भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के ड्रोन संचालन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।